इस तरह का चैनल बैनर बनाने के लिए। दोस्तों आज मैं आप लोग को चैनल बैनर बनाना सिखाऊंगा न्यू ट्रिक से। बहुत सारे लोग अपना चैनल बैनर बनाते हैं लेकिन उनका कट जाता है, वो चैनल बैनर लगाते तो कट जाता है। भाई ट्रिक होती है चैनल बैनर का, ट्रिक होती है बनाने का, जो आप लोग को इस वीडियो में आप सभी को बताया हूं। और आप लोग अपने चैनल के हिसाब से कैसा बैनर बनाएंगे ये भी मैं आप लोग को बताया हूं भाई। चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, बैनर से भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं बैनर में क्या लिख रखा हूं, मैं किस तरह से एकदम सिंपल बनाया हूं। तो भाई चैनल की बैनर की वजह से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरह से चैनल बैनर बनाए जाते हैं। दोस्तों चैनल का बैनर बनाने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों को चैनल का बैनर बनाने के लिए चैनल का जो बैनर साइज होता है ना उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में जाना है। देखिए दोस्तों मैं क्रोम ब्राउजर में आ गया हूं और मैं दोस्तों इस तरह से वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ना अच्छे से दोस्तों समझ में आए कि किस तरह से बैनर जो कि बनाए जाते हैं बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और बच्चा बच्चा भी दोस्तों सीख जाएगा आज बैनर बनाने के लिए। तो सिंपली आप लोगों को पहले बैनर साइज को डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही होती है कि पिक्सल लैब में बैनर साइज नहीं मिलता है। यहाँ पर यूट्यूब सर्च है, यहाँ पर जाकर के आप लोग लिखने यूट्यूब बैनर साइज ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, ये दोस्तों आप लोग को सर्च करना है, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं पहले से सर्च करके रखा हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखिए ऑल और इमेज का ऑप्शन दिखेगा, तो इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर व्हाइट पट्टी वाला, ये देखिए ब्लैक पे व्हाइट पट्टी है, ठीक है, और ये है चैनल का बैनर साइज, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको रखे रहना है। फिर यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड तो हमारा ये हो गया। अब हमें दोस्तों चैनल बैनर में जो भी आप लोग फोटो रखना चाहते हैं या जो भी मटेरियल ऐड करना चाहते हैं उसको दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं रखना चाहता हूँ यूट्यूब का लोगो, तो यूट्यूब का लोगो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सर्च, देखिए इमेज सर्च मैन है ना, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इमेज सर्च मैन है, इस पर क्लिक करके मेरे को यूट्यूब का लोगो रखना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का, यहाँ यूट्यूब लिखूंगा, बस ओनली यूट्यूब, यूट्यूब दोस्तों लिखेंगे ना और ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है टिक का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यूट्यूब का लोगो आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ इसी में से कोई लोगो आपको अच्छा लगे, जो भी पट्टी अच्छा लगे, यहाँ पर देखिए बस यूट्यूब यूट्यूब ही दिख रहा है आप लोगों को, ये लोगो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे में आएंगे, डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पहले अब हो सकता है कि भाई मेरे को चाहिए विलेज वाला, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बस विलेज, विलेज का इमेज चाहिए मैं अपने बैनर में लगाना चाहता हूँ, तो विलेज पे क्लिक करके, ठीक है, विलेज पे करके यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा गांव का इमेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए बहुत सारा, देखिए ये है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करके, यहीं पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे में आइएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि बैनर बनाने के लिए आपको लग रहा है कि मेरा ऐसा इमेज होना चाहिए चैनल के हिसाब से, ठीक है, तो ऐसा आप लोग को यहीं से डाउनलोड कर लेना है। देखिए तो मैं एक दो तीन ठो जो कि डाउनलोड कर यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब आपको यहीं से जो भी इमेज को डाउनलोड करना होगा यहीं से सिंपली आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सारा कुछ हम लोग डाउनलोड कर लें, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे फिर से जाना है क्रोम ब्राउजर में और जो भी हम लोगों ने फोटो डाउनलोड किए हैं पहले कि आप अपने चैनल में फोटो भी लगाना चाहते होंगे, ठीक ना, तो उसको लगाने के लिए यहाँ पर पहले सबसे पहले बीजी रिमूवर लिखेंगे भाई, बीजी रिमूव लिखेंगे और यहाँ पर देखिए रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो चैनल का साइज बैनर वाला जो साइज जो कि डाउनलोड किए उसको PNG बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करना है, अपलोड इमेज है, इस पर क्लिक करके तो यहाँ पर देखिए वो डाउनलोड जो किए हैं यहाँ पे आ गया है, तो इसको पहले PNG करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए तो ये थोड़ा दोस्तों टाइम लेगा, फिर उसके बाद PNG बना देगा। यहाँ पर नीचे आ जाना है, ये देखिए ये PNG बना दिया। अब यहाँ पे डाउनलोड और डाउनलोड HD का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग डाउनलोड HD पे क्लिक नहीं करना है, डाउनलोड पे ही क्लिक करना है, यहीं से काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। अब यहीं पे हम लोगों को क्या करना है, और फोटो जो हम लोग यूज करने वाले हैं अपने ये बैनर में, तो उसको यहाँ से बैक करके फिर से दोस्तों हम लोग को फोटो जो कि एक और PNG बनाने हैं, जैसे कि मैं अपना फोटो रखना चाहता हूँ उसका भी PNG बनाना है, तो फिर अपलोड इमेज पे क्लिक करके मेरा फोटो ये वाला है, ये वाला फोटो मैं अपने चैनल के बैनर में यूज करने वाला हूँ।
ये फोटो को यूज करना हो तो इसको भी पीएनजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बैक साइड में बहुत सारा चीज सामान है तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो यहीं पे क्लिक करके डन पे क्लिक करेंगे तो इसका भी दोस्तों पीएनजी बना देगा। तो दोस्तों यहाँ मेरा जो इमेज था वो पीएनजी बन चुका है। थोड़ा हाई क्वालिटी का अगर इमेज रहेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप लोग को वेट करना है। अभी मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा इमेज ये भी डाउनलोड हो चुका है जो मैं बैनर में यूज करने वाला हूँ अपना इमेज। अब दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा, ठीक है, बैक आ जाऊंगा, सारे चीज को क्लियर कर दूंगा। अब हम लोगों को क्या करने हैं, पिक्सल लैब को ओपन करने, क्योंकि पिक्सल लैब में ही हम लोग को बैनर बनाना है। लैब यहाँ पे दोस्तों पिक्सल लैब है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों बारीकी से आप लोग समझिएगा कि क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया हमारा पिक्सल लैब। जो भी हमको बैनर में मटेरियल यूज करना था वो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके उसको पीएनजी भी बना दिए। अब देखिए अब यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, इस पे दोस्तों क्लिक, पहले तो दोस्तों आप लोगों को ये टेक्स्ट आएगा ना तो इसको डिलीट करना, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डिलीट का आइकन है, इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके इसे क्लीन कर लेंगे, क्लीन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज है इस पे क्लिक करके, कस्टम है यहाँ पे, कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल बैनर, इस पे दोस्तों क्लिक करके आप लोग को ओके कर देना है। ओके कर दिया, ओके करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए कलर को यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर का ऑप्शन आप लोग को दिखेगा, इस पे क्लिक करके कलर ऊपर में है, ठीक है, एक ग्रेडियंट है और ऊपर कलर है, कलर पे क्लिक करके आप लोगों को ब्लैक कर लेना है। तो ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बैनर का साइज जो कि डाउनलोड किया है वो ब्लैक बैकग्राउंड वाला, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, ठीक है, फॉर्म गैलरी है, इस पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हम लोगों ने पीएनजी बनाया था देखिए चैनल बैनर साइज का, ये इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। अभी यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर लेंगे। आप लोग इसे सीधा करके बनाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे करके बीच बीच में इसको रखना है, बीच बीच में देखिए बीच बीच में हो गया, देखिए बीच बीच में हो गया। अब इसको इधर उधर भागे ना, जैसे कि देखिए अभी क्या है कि इधर उधर भागेगा तो इधर उधर भागे ना, इसके लिए आप लोग को क्या करना है, ये अच्छा से बैठ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके और इसे लॉक कर देने हैं, ठीक है। अब लॉक कर देंगे तो इधर उधर भागेगा नहीं दोस्तों, देखिए इधर उधर टच कर रहे हैं कहीं भी भाग नहीं रहा। तो जो भी बैनर में हम लोग मटेरियल यूज करेंगे और वो हम लोग को लगेगा सेट हो गया अपनी जगह पे, वो अच्छे से मैं रख दिया हूँ, तो उसको लॉक कर देना है। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे कलर लेना है। कलर लेने के लिए मैं पहले से ही दोस्तों सारा कुछ बना रखा हूँ, यहाँ पर देखिए पीएनजी फोरम गैलरी है, इस पर क्लिक करता हूँ। कलर का भी दोस्तों पीएनजी बनता है और ये सारा जो मटेरियल मैं बैनर बनाने के लिए यूज करूंगा ना वो सारा का मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग टेलीग्राम से जाकर के, मेरा टेलीग्राम है सुनील ओला टेक टेलीग्राम, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कलर है, इसको कलर पे क्लिक करके हमारा जो चैनल का बैनर है सुनील ओला टेक का वो देख रहे होंगे आप लोग कैसा है, तो इसको आधा में दोस्तों रखना है। देखिये हम लोग को जो काम करना है ना, यहाँ पर देखिये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कलर है जो कि जा रहा है बाहर, तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को दोस्तों इधर से मतलब नहीं है। हम लोगों को जो चैनल बैनर बनाना है ना वो बनाना है ये बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ औसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपका चैनल बैनर एक अच्छा सा बन जाएगा। और आप लोग दोस्तों अपने चैनल के हिसाब से चैनल बैनर बनाइएगा, ठीक है। मैं अपने टेक चैनल के हिसाब से बना रहा हूँ और इसमें ही दोस्तों ब्लॉग और कुकिंग भी करके दिखाऊंगा, पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन भाई देखने के बाद आप लोग पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये कलर हो गया आधा में, अब दोस्तों रेड वाला कलर लेंगे, फोरम गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये है, इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं। अब इसको भी, अब देखिए ये तो भाई देखिए मैंने बोला था ना कि लॉक कर दीजिएगा नहीं तो इधर उधर होगा, तो ये हमको लग रहा है कि अच्छा सा बैठ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको लॉक करना है, ठीक है। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए ब्लू वाला है, ब्लू वाला को लॉक करेंगे। अभी रेड वाला को बढ़िया से बैठाएंगे, ये देखिए रेड वाला है, इसको भी बढ़िया से बैठाएंगे। ये दोस्तों हमारा हो चुका है, इधर बाहर जा रहा है उसको आप लोगों को नहीं देखना है, यहां से लेकर के यहीं तक बनेगा, ठीक है। अब इसको भी लॉक कर देते हैं, यहां से लेकर के इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है। लॉक हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, लॉक हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से जो हम लोगों ने पहले तो भाई क्या किए थे, हम लोगों ने इमेज जो कि डाउनलोड किए थे तो उसको प्लस पे क्लिक करके हम लोगों को अब यहाँ पे यूट्यूब ये इस पे क्लिक करके पहले दोस्तों यहाँ पे कलर जो मेरा है एक और कलर है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये कलर ये वाला, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करके टिक कर देता हूँ।
और इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि मेरा बैनर है ना और खूबसूरत दिखे। यहाँ पे ऐसे करिएगा, ऐसे तो हो जाएगा, छोटा करना है तो ऐसे करिएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया। मेरे को लग रहा है कि ये मैं अच्छे से साइज बैठा दिया हूँ। इसको भी अब लॉक कर देता हूँ, हो गया, ये भी लॉक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अपना YouTube का, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ, मेरा टेक चैनल का है तो मैं YouTube का लोगो रखूंगा। आप लोग चाहे तो ब्लॉग का बनाएंगे या कुकिंग का बनाएंगे, तो आप लोग अपना मटेरियल अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्म गैलरी, इस पर क्लिक करके अभी जो यूट्यूब का लोगो PNG बनाया है ना, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी दोस्तों मैं PNG बनाया हूँ, तो आप लोग भी जा करके PNG बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए यूट्यूब का लोगो आ गया, ये देखिए ये आ गया, यूट्यूब का लोगो आ गया। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों। मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा जो कि यूज करूंगा, तो इसको डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक करके, ठीक है, डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर ओके कर देंगे, ठीक है। ये हो चुका है डिलीट। अब भाई हमको दूसरा लेना है भाई, कि ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक और PNG बनाया हूँ, वो है यहाँ पे, ये देखिए। तो इसको मैं यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे ओके करूंगा, और ये हमको वेस्ट लग रहा है देखने में, इसलिए इसको ही मैं यूज करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे कर लिया, करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऐसे में रख लिया, हो गया। अब इसको भी मैं चाहूंगा तो इसे लॉक कर देता हूँ, चलिए लॉक हो गया। अब हमको यहाँ पे इमेज अपना लेना है, यहाँ पे इमेज मैं जो फोटो यूज करने वाला हूँ, ये फोटो ये मैं लेने वाला हूँ, फिर ओके। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा देखने में लग रहा है बैनर, ये देखिए इस पे। तो आप लोग जो भी फोटो यूज करेंगे ना चैनल के बैनर के बीच बीच कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों इसे भी लॉक कर देते हैं, लॉक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करके, फॉर्म गैलरी पे क्लिक करके, यहाँ पे जो हमारा पट्टी है, ठीक है, पट्टी है वो दोस्तों हम लोग लेंगे, पट्टी जिसपे हम लिखेंगे अपना चैनल का नाम। तो ये देखिए ये आ चुका है, पट्टी आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपना चैनल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए आप लोग यहाँ पे ऐसे पहले करके इसको लॉक कर देते हैं। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, कि यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, तो ए पे दोस्तों क्लिक करके, ये पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करने के बाद ये एडिट है ना, इस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ अपना चैनल का नाम भी लिख सकते हैं भाई। जैसे कि मान लीजिए सुनील वाला ब्लॉग्स, फिर इसको ऐसे करके ओके करेंगे। आप लोग ऐसे दोस्तों बता रहा हूँ एक्सप्लेन थोड़ा बहुत ये करके, डेमो करके। अब देखिए अब इसको छोटा करना है या इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है, यही पे ए पे क्लिक करके कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, ये देख करके। अब भाई उसमें व्हाइट कलर का पट्टी है तो यहाँ पे रेड कलर का अच्छा लगेगा, तो रेड कलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है रेड कलर, तो प्लस के कलर पे क्लिक करके और भी रेड हमको करना है, तो रेड को इधर टैग इधर खींचेंगे और इसको रखेंगे भाई इधर, फिर ओके करेंगे। तो ये रेड बहुत ही अच्छा वाला रेड बन चुका है अभी, ये देखिए ये छोटा कर दिए भाई, सॉरी, यहाँ पे भाई यही तो दिक्कत होती है ना, सेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे मैं जल्दी जल्दी कर देता, बट आप लोगों को बताने के चलते ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए कितना दोस्तों अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो इसका फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, चलिए इसको अभी हटाते हैं फिलहाल के लिए, हाँ ठीक है, अब ये हो गया। फिर दोस्तों प्लस पे क्लिक करके अभी देखिए यहाँ पे मैं जो मैं लिखा हूँ वो यहाँ पर दूंगा, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ओके, आसान भाषा में जो मैं लिखा हूँ, ये देखिए आसान भाषा में पूरी जानकारी, ये मैं यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप लोगों को फिर प्लस पे क्लिक करना है, इसे भी दोस्तों लॉक कर दीजिएगा नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा ये, चलिए हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, फॉर्म गैलरी पे क्लिक करके, अभी देखिए ये वो लिख दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी YouTube का चैनल है टेक से रिलेटेड, तो उसमें मैं अपना इंस्टाग्राम या
किसी चीज का भी लिंक देना चाहता हूँ या मैं क्या क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो ये पट्टी है मेरे पास, आप लोग भी ये पट्टी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हो गया, लग गया। अभी क्या करते हैं, इसे भी लॉक करते हैं, अपने हिसाब से आप लोग सेट कीजिएगा। यहाँ पे हो गया, अभी यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं, फिर प्लस पे क्लिक करके फोरम गैलरी है इस पर क्लिक करके नीचे आ करके यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो जो मेरा चैनल का लिखा हुआ है वो आ गया। तो दोस्तों ब्लैक में काला अच्छा लगता है, तो देखिए ये काला हो गया, ये मैं यहाँ पे सेट कर दिया, देखिए सेट हो गया। अब इसे भी दोस्तों लॉक कर देना है, तो आप लोगों को बताया ही कि लॉक कैसे करना है। और फिर क्लिक करके यहाँ पे जो इंस्टा, ये क्या बोलते हैं, क्या क्या मैं देने वाला हूँ, जैसे कि यूट्यूब, तो यूट्यूब का लोगो हो गया, ब्लॉग टिप्स हो गया, देखिए अनबॉक्सिंग हो गया, तो इसको भी सेट करेंगे भाई कि देखने में अच्छा लगे अच्छे से। ये दोस्तों देखिए आसान भाषा में पूरी जानकारी मैं इस तरह से लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। प्लस पे क्लिक करके फॉर्म गैलरी है, इस पर क्लिक करके अभी भाई आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आ गया है। तो आप लोग चाहते हैं कि ये सब का भी यूज करें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पे हेल्प करने वाला इमेज था, यहाँ पे इसको भी ले लेता हूँ, ये देखिए। तो ये इमेज को मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, दोस्तों इतना सारा काम जो कि बैनर में हो चुका है। अभी आप लोग चाह रहे हैं कि मैं कुकिंग वीडियो के लिए बैनर बनाऊं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली देखिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि भाई नहीं मैं कुकिंग वीडियो के लिए या ब्लॉग वीडियो के लिए, तो यहाँ पर देखिए फॉरम गैलरी है ना, ये देखिए यहाँ जगह पर देखिए ये पे क्लिक करके अभी आपको जो भी ऐड करना है ना, जैसे कि ये गाँव वाला पिक्चर, ठीक है ये गाँव वाला मैं ऐसे कर लेता हूँ सेलेक्ट ऐसे करके, ये देखिए ये गांव को मैं दिखाना चाहता हूँ ये वाला को, तो इस पर सिलेक्ट करके ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टिक करता हूँ ओके। और ये देखिए ये मैं यहाँ से कहाँ पे ले जाऊँगा, या इसे आप लोग क्या बोलते हैं PNG इमेज बना करके यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए ये वाला लगा दूंगा, देखिए कितना अच्छा लगेगा, और लगा दूंगा तो देखिए ये हो गया। यहाँ पर मैं सेट करके इसकी जो ओपेसिटी है ना वो दोस्तों मैं कम कर दूंगा। ओपेसिटी कम करने के लिए देखिए यहीं पर ये वाला पे क्लिक करके आप नीचे आइएगा, नीचे आने को देखिए ओपेसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके देखिए ये है ना, इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद इसको देखिए ओपेसिटी थोड़ा कम करेंगे, ठीक है देखिए ये देखिए यहाँ पे सेट कर दें। तो आप लोग इसी तरह से कोई भी इमेज को लगा करके ओपेसिटी कम करके यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इसको ओके कर देंगे। तो आप लोग इसी तरह से दोस्तों इसका PNG भी लगा करके यहाँ पे चैनल बैनर बना सकते हैं देखने में, जो कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको कुकिंग देना रहेगा कुकिंग दे दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर चैनल के नाम लिख दीजिएगा, अपना यहाँ पे फोटो लगा दीजिएगा, ऐसे करके बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये सारा कुछ नहीं रहेगा, फिर हम लोग चैनल बैनर कैसे बनाएंगे? तो जो मैं यहाँ पर लिखा था कि हेल्प करना मेरा काम, इसको पहले ले करके और सेव करके दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। हेल्प करना मेरा काम करके जो मैं लिखा हूँ, हेल्प करना मेरा काम, इसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो कलर का भी दोस्तों ध्यान रखिए कि कौन सा चीज़ में कौन सा कलर बेस्ट लगता है, उसके लिए आप लोग को गूगल में जाकर सर्च करना है कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपको बहुत सारे कलर दिखा देगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए अब दोस्तों देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको भी लॉक करके अब हम लोग को क्या करना है, इसे 4K में सेव करना है। अगर ऐसे ही दोस्तों हम लोग सेव करने के लिए आप लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करके, यहाँ सेव एंड इमेज है इस पर क्लिक करके यहाँ पर PNG रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे JPG है ना, तो यहाँ पर PNG कर देना है। PNG करने के बाद यहाँ पर कस्टम ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके वेरी हाई या वेरी अल्ट्रा पे रखते हैं। अल्ट्रा पे नहीं रखने भाई, उससे भी HD क्वालिटी का हम लोग को बनाना है अपना बैनर को। तो यहाँ पर देखिए ये 25 है ना, इस पर यहाँ पर 25 पे यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 25 काट करके यहाँ पर कर देने 76, ठीक है। यहाँ पर कर दिए 76, फिर ओके करेंगे। और यहाँ पर लेंथ है इसको कर देंगे 43, उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा और ये एकदम 4K में दोस्तों सेव होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप अपने ब्लॉग चैनल के लिए कुकिंग चैनल के लिए किस तरह का थंबनेल आप डिजाइन कर सकते हैं सिंपल सा, वो भी आप लोग बताऊंगा। चाहेंगे तो आप लोग प्रोफेशनल भी बैनर बना सकते हैं और नहीं तो आप लोग सिंपल भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे सेव होने दीजिए। उसके बाद दोस्तों बताता हूँ आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि ये कलर वाला PNG नहीं आप डाउनलोड कर पाएंगे तो फिर कैसे आप लोग अपना चैनल बैनर बनाएंगे। पूरा वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा, अभी इसको सेव हो जाने दीजिए।
तो दोस्तों सेव हो चुका है, एड आया, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेव हो चुका है बैनर, दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, भाई देखिए यहीं पे दिखाता हूँ, बैनर आ चुका है ये देखिए। अब इसे जूम करेंगे भाई, बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं, देखिए फट रहा है नहीं ना, आप लोगों को भले ही मोबाइल में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों देखिए, देखिए भाई बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, मैं ऐसे रियल में देख रहा हूँ तो बिल्कुल भी ये नहीं फट रहा है। तो इस तरह का चैनल बैनर बनाने के लिए भाई आप लोग को जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, HD एकदम बन जाएगा पूरा। अब मान लिया जाए दोस्तों कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं हमारे पास ये मटेरियल नहीं है, तो मैं कैसा नॉर्मल बनाऊंगा, कैसा बैनर बनाऊंगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि सारा कुछ को खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग मटेरियल को डाउनलोड नहीं कर पाए किसी वजह से, चाहे आप लोग चाहते कि नहीं मैं इस तरह से नहीं, कुछ और तरीके से मैं बैनर बनाना चाहता हूँ सिंपल सा, तो उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। मैं अपने ब्लॉग चैनल के लिए भी दोस्तों सिंपल ही बनाया था, तो उसके लिए आप लोग को पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। ठीक है, ओपन जैसे ही करेंगे तो इस तरह से आप लोग को इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोग को जो चैनल बैनर का साइज है ना उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप लोग को चैनल बैनर बनाना है तो आप लोग को गूगल से चैनल बैनर का साइज को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर क्या क्या करना होता है मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। ठीक है, तो अभी इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके इमेज साइज है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब चैनल बैनर है, इस पर क्लिक करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम लोग को कलर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा कलर का, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे ग्रेडियंट है ना यही वाला में से कलर मैं आप लोग को कोई ले करके दिखाता हूँ, ये वाला। मान लीजिए ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं, यही वाला अच्छा मेरे को लग रहा है, तो इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोग को चैनल बैनर का जो PNG मैंने बोला था वो डाउनलोड करके, वो डाउनलोड किए होंगे तो उस पर क्लिक करके फॉरम, इस पर क्लिक करके चैनल बैनर का जो साइज है वो ले लेंगे, ये लिखिए, ये देखिए हो गया ओके, ये हो गया। अब इसको बड़ा कर लेंगे, या आप लोगों को दोस्तों दिख नहीं रहा है ना तो आप लोग दूसरा कलर भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से पहले बड़ा कर लेता हूँ, देखिए बड़ा करके मिला लेना है, चलिए मिला लिया। उसके बाद यहाँ पे इमेज, यहाँ पे कलर अगर मान लीजिए कि दोस्तों आप लोग को कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे चेंज करके देख सकते हैं ये कौन सा कलर का बेस्ट लग रहा है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। चलो मान लीजिए कि दोस्तों यही को रहने देते हैं, इस पर हो गया। फिर आपको फिर जो भी मटेरियल यूज करना है वो मटेरियल, जैसे कि ये फोटो में यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे फोटो यूज कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि पट्टी डाउनलोड कर, पट्टी भी दोस्तों डाउनलोड हो जाते हैं, जैसे कि देखिए मैं ये डाउनलोड किया हूँ एक पट्टी यहाँ पे, इस तरह का पट्टी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप लोग को जानना है, गूगल में ही लिखना है पेपर PNG, तो आपका पेपर आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके PNG करके यहाँ पर इसी तरह से आप लोग बिना मटेरियल के भी एक अच्छा बैनर बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो भी लिखना चैनल का नाम वो लिख लेंगे, अभी गांव का वाला इमेज लगाना है तो वहाँ से दोस्तों गांव का इमेज लगा देंगे भाई। चलो मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा बैनर बना रहा हूँ, एकदम नॉर्मल सा बैनर, तो इसी तरह से बनेगा। तो आप लोग इसी तरह से अपने ब्लॉग चैनल के लिए, कुकिंग चैनल के लिए, या किसी भी तरह के चैनल के लिए डिजाइन कर सकते हैं। अब इसकी ओपेसिटी भाई बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर क्लिक करके ओपेसिटी को कम कर देंगे, देखिए ओपेसिटी कम कर देंगे, ये देखिए दोस्तों देखने में अच्छा लगा। इसी तरह से आप लोग अपने बैनर को सजाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को अपना चैनल बैनर बनाना है, जो भी मटेरियल मैं यूज किया हूं ना इस मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां पर मैं वीडियो प्ले कर देता हूं। दोस्तों बैनर का जो भी मटेरियल आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम चैनल से, तो आपको ना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले आप लोग डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद जो भी डाउनलोड आपका यहाँ पर रहेगा, जैसे कि देखिए मैं व्हाट्सअप से डाउनलोड किया हूँ क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से इसमें डाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो डाउनलोड हुआ है आपका फाइल वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए जिप फाइल रहेगा, जिप फाइल रहेगा तो इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट या अनजिप का ऑप्शन आपका आएगा तो कर लीजिएगा। तो देखिए एक्सट्रैक्ट करेंगे ना तो जितना भी मटेरियल बैनर के लिए हम लोग यूज किए हैं वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये फोटो मेरा है तो ये फोटो भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग दूसरा वहाँ पे फोटो लगा लीजिएगा, मेरा फोटो भी आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अभी डन पे कर देते, तो ये हो गया अंजीब।
एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग इसी प्रोसेस से अपना थंबनेल को बनाइएगा, आप लोग अच्छे से बना पाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे भाई तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है चैनल बैनर बनाने में या किसी तरह का, आप लोग भाई को कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।